दुर्ग के बघेरा में खुलने जा रही देशी शराब दुकान को लेकर वार्ड वासियों की नाराजगी पर शहर विधायक ने मौके पर पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया, साथ ही आबकारी अधिकारी को शराब दुकान नहीं खोलने के दिए निर्देश। दुर्ग के बघेरा कोटनी में मार्ग पर देशी शराब भट्टी को ले जाने को लेकर वार्ड वासियों द्वारा जताई गई नाराजगी से वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक अरुण वोरा ने मौके पर पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया और आबकारी विभाग से कहा कि बघेरा में शराब दुकान नहीं खोली जाए। स्थानीय नागरिक यहां शराब दुकान खोलने का विरोध कर रहे हैं। इससे पहले वोरा से बघेरा के नागरिकों के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की और शराब दुकान न खोलने की मांग की। वोरा ने आबकारी अधिकारी से कहा कि मंदिर और स्कूल होने के कारण स्थानीय नागरिक यहाँ शराब दुकान न खोलने की मांग कर रहे हैं। नागरिकों की भावनाओं के अनुरूप यहाँ शराब दुकान नहीं खुलनी चाहिए। साथ ही वोरा ने जोर देकर कहा कि उन्होंने आबकारी विभाग के अफसरों को पहले ही कहा है कि जन भावनाओं का सम्मान करते हुए शराब दुकान ना खोली जाए। बघेरा में अगर शराब दुकान का विरोध हो रहा है तो वहाँ पर किसी भी हालत में शराब दुकान नहीं खुलनी चाहिए। वोरा ने ये भी कहा कि दुर्ग सहित पूरे प्रदेश में अभूतपूर्व विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण भाजपा मुद्दा विहीन होकर बौखलाहट में आंदोलन कर रही है। वहीं भाजपा पर पलटवार करते हुए वोरा ने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार का विरोध करने के लिए कोई मुद्दा न होने के कारण भाजपा नेता लोगों को गुमराह कर रहे हैं। शहर में सड़कों का डामरीकरण किया जा रहा है, मूलभूत विकास कार्य कराए जा रहे हैं, स्ट्रीट लाइट लग रही है, जीई रोड के उन्नयन और सौंदर्यीकरण के कार्य हो रहे हैं, ठगड़ा बांध पिकनिक स्पॉट की योजना का कार्य हो रहा है, नदी तट पर लक्ष्मण झूला की योजना को मंजूरी मिलने की बातें उन्होंने कही। शहर की जनता ने पिछली भाजपा सरकार के 15 साल का कुशासन और वादा खिलाफी देखने के बाद वर्तमान भूपेश सरकार के कल्याणकारी कार्यों और योजनाओं को भी आम जनता देख रही है। वहीं उन्होंने कहा कि आम जनता अब भाजपा के बहकावे में नहीं आने वाली है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।